हिंसा के बाद जहां दंगों की आंच अब शांत होने लगी है, तो वहीं दंगों में आगजनी, तोड़फोड़ का शिकार हुए प्रवासी मुस्लिमों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे एक प्रवासी मुस्लिम है कल्लू मियां, जिनके गद्दों की शॉप को दंगाइयों ने बीते 1 अगस्त की शाम आग के हवाले कर दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और उसी वीडियो को देखा योगिता नाम की महिला ने, और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि नफरत के इस माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलनी जरूरी है। बस फिर क्या था, योगिता ने ना केवल कल्लू मियां की शॉप को फिर से गुलजार कर दिया, बल्कि दुकान में गद्दों को भर कर कल्लू मियां की रोजी रोटी का साधन दे दिया। इंसानियत का परिचय देते हुए उन्होंने एक महान मिसाल कायम किया है, क्योंकि इस मदद में वो किसी भगवान से कम नहीं है। दरअसल योगिता गुरुग्राम में परी नाम का एनजीओ चलाती हैं, और योगिता की माने तो दंगों जैसे हालात हमारे देश प्रदेश और गुरुग्राम के लिहाज से कतई ठीक नहीं है, और समाज में फैली नफरत को केवल मोहब्बत से ही खत्म किया जा सकता है। वहीं इस मामले में कल्लू मियां जहां बेहद खुश नजर आ रहे थे, तो वहीं कल्लू मियां ने योगिता और उनके साथ में आए अन्य लोगों को धन्यवाद कर कहा, आज के दौर में ऐसी शुरुआत की जरूरत है जिससे कि गंगा जमुनी तहजीब को बचाया जा सके। जिन दंगाइयों ने जलाई थी उनको एक पूरा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कितना भी कुछ दंगे कर लीजिए, जैसे मैं इनके साथ खड़ी हूँ आप जैसे इनको दंग नहीं कर सकते हैं, और आपके जैसे जितने भी दंगाई आ जाए जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं वो आपसे 100 गुना के 1000 गुना के लाखों गुना ज्यादा है, और हम सब कल्लू जी के साथ खड़े हैं। कल्लू जी की दुकान को जब जलाया था ना, आपको फिर से आपको एक बार याद करना है कि जलाने वाले आप कुछ लोग चंद लोग हो, पर इनको सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदू बहन भाई हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंदू धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, और हिंदू समाज में बताया गया है, हमारे धर्म में बताया गया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और कभी भी अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आप हिंदू नहीं हो। दरअसल बीते 31 जुलाई की दोपहर बाद नू में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम में कई जगहों में भी हिंसा भड़कने लगी थी, और इसी हिंसा के दौरान प्रवासी मुस्लिमों की दुकानों, ठिकानों, मीट शॉप, सलून व सब्जी की दुकानों पर लोगों ने हमला बोल दिया था। वहीं गुरुग्राम में अब हालात सुधरने लगे हैं, जिसके जिले भर में लगी धारा 101 के आदेशों को भी वापस ले लिया गया है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर हिंसा में लिप्त बदमाशों और उपद्रवियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी सूरत में गुरुग्राम की शांति व्यवस्था भंग करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ जी, मैं बहुत परेशान हो गया, कई दिन हो गए मेरी दुकान जलाए हुए, इस वक्त तो मैं घर से बेघर चल गया हूँ, क्या करूँगा। तो कल्लू जी हमने आपसे, चलो कल्लू जी नारियल फोड़ो। सब लोग मदद कर रहे हैं मेरी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।